बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्दूराम लुलीर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले 12 जनवरी का वो दिन था जिस दिन ही अंबेडकर पीपल्स वॉइस की स्थापना हुई थी, और उसी दिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर एक गठबंधन किया था। इस गठबंधन की चर्चा पूरे देश भर में काफी सुर्खियों से गूंजी। सपा और बसपा का यह गठबंधन भले ही बेमेल नजर आया, लेकिन तमाम लोग उसी समय कह रहे थे कि इस गठबंधन का ज्यादा समय के लिए नहीं चलेगा, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती जी बराबर ये दावा कर रहे थे कि यह गठबंधन लंबा चलेगा, काफी दिनों तक चलेगा। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर तो बहुजन समाज पार्टी मात्र 10 सीटों पर सिमट गई, और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने ऐलान कर दिया कि वो इस गठबंधन में नहीं रहना चाहती। उन्होंने कहा कि वो अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ जो पारिवारिक संबंध है उनको स्थापित रखेगी, लेकिन पार्टी के साथ गठबंधन अब नहीं रखना चाहती। उनके इस गठबंधन के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर मानो समाजवादी पार्टी की तरफ से रिएक्शन आने की उम्मीद थी। ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ी स्टेटमेंट दी जाएगी, लेकिन अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की तरफ से किसी भी नेता ने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला। धीरे धीरे वक्त ऐसा बदलने लगा कि समाजवादी पार्टी के अंदर दलित समुदाय के या जो बहुजन समाज पार्टी के कई सारे नेता जो कि पार्टी छोड़ छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ जाने लगे। इसमें खास तौर से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष और आपको बता दें कि विधायक से लेकर कई सारे लोग जो पार्टी में बड़ा कद रखते थे, अहम पद रखते थे, छोटे छोटे नेता भी समाजवादी पार्टी के अंदर चले गए। लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक करीब 20 से ज्यादा नेता जो पार्टी के बड़े स्तंभ माने जाते थे बहुजन समाज पार्टी के, वो अब समाजवादी पार्टी में चले जा चुके हैं। इस हालात में देखने की कोशिश करें तो फिर भी जिला पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगा कि दलितों के वोट उन्हें मिलेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से जिला पंचायत के चुनाव में अच्छा खासा वोट प्रतिशत हासिल करने में कामयाब रही, जिसके चलते आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी दलितों का एक नया जो समाजवादी पार्टी है वो दलितों का लिए एक नया विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाल फिलहाल में ये चर्चा बढ़ी है कि समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के विकल्प के तौर पर देखकर अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को साथ लेने पर दलित समाज का जो वोट बैंक है, खास तौर से जो युवा वर्ग का वोट बैंक है, वो उन्हें ट्रांसफर हो सकता है। इस वजह से चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में डोरे भी डालने की बातें सामने आ रही है। कई मीडिया चैनल्स का यह भी दावा है कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच कई दौर की मीटिंग भी हो चुकी है, अब फाइनल डिस्कशन अब उनके ऊपर होना है, जिसके ऊपर वो कभी भी किया जा सकता है। तो ऐसे हालात में देखने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या समाजवादी पार्टी को दलितों के विकल्प के तौर पर एक नया चेहरा जो चाहिए, जो तलाश था, वो चंद्रशेखर आजाद के तौर पर मिल गया? क्या समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को दलितों का विकल्प, मायावती का विकल्प जो चाहिए चंद्रशेखर के रूप में मिला है? ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर इन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन होता है तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई दिशा देखने को मिल सकती है। भले ही आजाद समाज पार्टी को इस गठबंधन से कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन अखिलेश यादव को इस गठबंधन से अच्छा खासा फायदा हो सकता है। इसके अलावा आपको बताने की कोशिश करें तो जयंत चौधरी को उन्होंने साथ ले रखा है, तो उन्हें भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अगर सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है तो दी जा सकती है। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना।